नेहरिया कोयला खदान को बंद होने से बचाने के लिए श्रमिक संगठन एकजुट हो गए हैं। नेहरिया खदान में राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ पेंच कन्हान के अध्यक्ष परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि अनशन पर बैठ गए हैं। परासिया कोलांचल में बंद होती खदानों को देखते हुए श्रमिक संगठनों ने WCL मैनेजमेंट को घेरते हुए कहा कि कोयला खदानों में लापरवाही मैनेजमेंट करता है और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए खदानों को बंद करते जा रहा है। जब WCL की नेहरिया मैनेजमेंट को पहले से पता था माइंस में पानी भर रहा है तो उसका उपाय पहले ही क्यों नहीं किया गया। आज जब खदान में पानी भर गया है तब भी पानी निकासी को लेकर मैनेजमेंट द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नेहरिया खदान का भविष्य देखकर सभी श्रमिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ अध्यक्ष परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि एक दिवसीय अनशन पर नेहरिया भूमिगत खान में बैठे। राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटेक की ओर से एक दिन का अनशन का कार्यक्रम यहाँ पर हमने लोग आयोजित किए हैं, उसी तारम में आज हैं हम लोग बैठे हैं। इसके पहले भी हम लोग ने अवगत कराया था कि नेहरिया खदान में जो पानी भरा जा रहा है और प्रबंधन की लापरवाही के कारण प्रबंधन पानी खाली नहीं करा रहा है, जिसके चलते हमारी माइन पूरी बंद हो चुकी है और प्रोडक्शन बंद हो चुका है, एक भी कोयला नहीं निकल पा रहा है और सारे मजदूर यहाँ पर इससे प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदारी थी संगठन की कि समय रहते हुए प्रबंधन को सचेत करें और लगातार एक महीने से चर्चा होने के उपरांत भी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।